हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोगों की दिवाली बहुत ही बढ़िया रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए करा हूँ एक बहुत ही स्पेशल स्नीकर। इस ब्रांड का नाम है एडिडास। आपको बॉक्स को देखकर समझ में आ ही गया होगा। चलो भाई जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे चैनल पर कई सारे मिड टॉप अनबॉक्स करता रहता हूँ। इस स्नीकर का जो नाम है ना भाई, वो है एडिडास मिड फोरम। जैसे ही मैंने ये स्नीकर को देखा था ना, मैंने मेरी टीम को फॉरवर्ड किया कि जाओ जल्दी से लेकर आओ मेरे लिए स्नीकर, ताकि मैं आप लोगों को अनबॉक्स करके दिखा पाऊँ। स्नीकर के बॉक्स को ना भाई एकदम सिंपल सा बनाया हुआ, आप इसके बॉक्स पे मत जाओ, क्योंकि इसके अंदर का जो स्नीकर है ना भाई, वो एकदम बवाल। जल्दी से हम हमारे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको अनबॉक्स करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, व्हाइट कलर का पूरा स्नीकर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इसके लुक्स और डिजाइन देखकर आप होने वाले इसके एकदम फैन, क्योंकि भाई इसकी जो डिजाइनिंग है ना, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। चलो भाई जल्दी से करते हैं इसके लुक्स की बात और डिजाइनिंग की बात। अगर आप कोई व्हाइट कलर का मिड टॉप स्नीकर ढूंढ रहे हैं ना, वो भी ब्रांडेड, तो मैं आपको बता देता हूँ एडिडास ने इसको बनाया एकदम बवाल। जब आप इसको देखेंगे ना, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसको व्हाइट कलर का पूरा डिजाइन करा हुआ है। टेक्सचर लेदर का यूज कर इसको पूरा डिजाइन करने के लिए। बैक में आपको बहुत ही प्यारा एक लाइट ग्रे कलर का पैच देखने के लिए मिलने वाला है। स्नीकर की जो डिजाइन है ना, वो बाकी फॉरम्स के मुकाबले बिल्कुल सेम ही है, लेकिन इसका जो सोल है ना, वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा पतला कर दिया गया बाकी फॉरम्स के मुकाबले। इसके साइड में आपको तीन येलो कलर की स्ट्रिप देखने के लिए मिल रही होंगी। इस स्नीकर में ना व्हाइट कलर के साथ साथ आपको येलो कलर के शेड देखने के लिए मिलने वाला। ये स्नीकर आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको बता देता हूँ, फ्रंट में आपको होल्स मिलने वाले हैं वेंटिलेशन के लिए। इसकी टंग को ना पूरा व्हाइट कलर की मैश फैब्रिक से बनाया हुआ है। बहुत ही कंफर्टेबल पूरी टंग आपको देखने के लिए मिलने वाली है स्नीकर के अंदर। टंग के टॉप पर ना आपको एडिडास बास्केटबॉल समर कैंप लिखा हुआ दिख जाएगा। इसलिए इसका जो शेड है ना, येलो कलर आपको देखने के लिए मिलने वाला है स्नीकर के अंदर व्हाइट कलर के साथ साथ। साइड में आपको एडिडास का लोगो देखने के लिए मिलने वाला है, और बाकी फॉरम जैसा ही आपको साइड में ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी एडिडास की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, स्नीकर के अंदर ना आपको येलो कलर का पूरा फैब्रिक देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ ना भाई एंकल की सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये बास्केटबॉल के लिए स्नीकर बनाया हुआ है, तो आपको एंकल की सेफ्टी स्नीकर में बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि इसकी पैडिंग और जो कुशनिंग है ना, वो आपको एक्सट्रीम लेवल की देखने के लिए मिलने वाली है। जब मैंने स्नीकर को ट्राई करा ना, तो इसकी पैडिंग और कुशनिंग मेरे को बहुत पसंद आई। कंफर्टेबल स्नीकर में बहुत अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात जो स्नीकर की ये लगी मेरे को, कि एंकल की साइड से ना एकदम टाइट हो जाता है, ताकि आप बास्केटबॉल के टाइम इसको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और अच्छे से पहन सके। येलो कलर के लिए इसके साथ साथ ना इसके लिए शोल्डर में आपको चार रिंग की डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगी, जो थ्रेडिंग का यूज करके पूरी डिजाइन करी हुई है। स्नीकर में आपको कंफर्ट की और फिटिंग की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। स्नीकर में आपको ऊपर की साइड एक बेल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ताकि आप अपने स्नीकर को एंकल से बहुत ही ज्यादा टाइट कर सकते हैं बास्केटबॉल के टाइम प्ले करते हुए। और ये स्नीकर ऑल ओवर डिजाइनिंग के साथ साथ ना बहुत ही कंफर्टेबल बनाया हुआ है। स्नीकर के बेल्ट के टॉप पर ना आपको एडिडास का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। साइड में आपको बहुत ही प्यारा एक छोटा सा येलो कलर का पैच देखने के लिए मिलने वाला है। डिफरेंट पैचेस के साथ साथ ना ये स्नीकर मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया, और इसकी जो डिजाइन है ना, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और अमेजिंग है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं ना, तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और मैं बात करता हूँ इसके सोल की। स्नीकर के साइड से लेके बैक तक जो आपको ये येलो कलर की रबर देखने के लिए मिल रही होगी ना, ये सारे फॉर्म्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके मिड सोल को पूरा व्हाइट कलर का डिजाइन करा हुआ है, साथ ही साथ ना आपको चारों ही साइड थ्रेडिंग का यूज करके और भी ज्यादा ड्यूरेबल इसको बना दिया गया है। अगर आप इसको स्टाइल के साथ साथ ना बास्केटबॉल के लिए भी यूज करने वाले ना, तो ये स्नीकर आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। अगर आप इस फॉरम को बाकी फॉरम से कंपेयर करने वाले ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सोल है ना, वो काफी ज्यादा पतला है बाकी फॉरम के मुकाबले। इसके आउटर सोल को ब्राउन कलर की रबर से पूरा डिजाइन करा हुआ है। सारी सर्कल के अंदर आपको एडिडास का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, और सेंटर में आपको एडिडास लिखा हुआ देखने वाला है, एक जो सीधा है और एक उल्टा है। इस स्नीकर का जो वेट है ना, वो बाकी फॉरम के मुकाबले थोड़ा सा भारी है। इसकी जो प्राइस है ना, ये आपको 8,000 के अप्रॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी वेबसाइट से आपको अलग अलग रेट में देखने के लिए मिलने वाला है, लेकिन आजियो पर अभी 8,000 समथिंग का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं ना, तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाकर इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं काफी सारे गिव अवे करता रहता हूँ। बाकी मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।